हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इंक स्प्लैट पोर्ट्रेट इफेक्ट एडिटिंग सीखनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, ये हमारी पिक्चर है। इस पिक्चर का हमने बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है? मैंने पहले से बैकग्राउंड इरेज किया हुआ है, तो हाँ, आपने इस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। तो ये मैंने बैकग्राउंड इरेज किया हुआ है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाना है। और ड्राइंग में आके ये जो पिक कनवास है ना, इस पर क्लिक करना है। इसमें क्या होता है, भी आप जो भी साइज लेना चाहते हैं ना पिक्चर का, वो ले सकते हैं। मैं ये लूँगा ये वाला साइज, ठीक है? ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना है, अपनी फोटो ऐड कर लेनी है। ये हमने फोटो ऐड कर ली कुछ इस तरीके से, ठीक है? इधर हमने रख ली पिक्चर। अब आपने लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। लेयर वाले बटन पे क्लिक करते ही आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है? और फिर ये फोटो लेयर है ना, ये सबसे ऊपर ले जानी है। और जो हमने एम्प्टी लेयर बनाई है उस पर क्लिक करना है। लेयर को बैक कर देना, ऐड फोटो पे क्लिक करना है। और आपने ये पीएनजी ऐड करनी है। आपने ये वाला पीएनजी लेना है, ओके करना है। इसको पिक्चर के बिल्कुल नीचे रखना है। इस तरीके से, ठीक है? इस तरह रखना है। फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है और ये वाला पीएनजी लेना है, ठीक है? अब ओके कर देना। इसको हमने इस तरीके से इधर ऐड कर देना, ठीक है? ठीक है, ये इधर ऐड हो गया। अब आपने फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है, ये वाला पीएनजी ऐड करना, ठीक है? ओके कर देना। ये पीएनजी हम इधर ऐड करेंगे, ठीक है? इधर अब आपने फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ये मैं 5 पीएनजी यूज़ कर रहा हूँ, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये वाला पीएनजी ऐड करना है, ठीक है? ओके कर देना। और इसे इस तरह ना कुछ इस तरह हमने ना इसको रख लेना पिक्चर के बाजू में। ये रख ले। अब आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन में जाना है। और ये जो हमने पीएनजी ऐड किए हैं, इनकी जो लेयर है, इनका ब्लेंडिंग मोड हमने 100 कर देना है। और 3 डॉट पे क्लिक करना है और मर्ज कर देना है इन्हें। इस तरह हो गया। अब आपने क्या करना है, एम्प्टी लेयर क्रिएट करनी है। एम्प्टी लेयर क्रिएट होगी, इस एम्प्टी लेयर को उठाना है और सबसे नीचे ले आना है, ठीक है? सबसे नीचे इस लेयर को लाने के बाद लेयर को क्लोज कर देना। अब हमने इधर पेंट करना है ताकि ये रियल लुक दे। इधर से हमने जो आपकी कलर है, शर्ट का है, हेयर का है, जिस तरह जिस हिस्से में आ रहा है वो आपने उस तरह करना है। अब ये आ रहा है, इधर हम कर लेते हैं। ये देखें, हो रहा है पेंट। इस तरीके से करना है ये पेंट, ठीक है? इतना पेंट हो गया।
अब हमने फिर से कलर चूज़, आप इसे ज़रा होल्ड करेंगे टच, तो ये कलर चूज़ हो गया। अब इधर ज़रा हमने इसको इस तरह पेंट करना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने फिर से होल्ड करके रखना है और ये वाला चूज कर लेना और ये नीचे हमने पेंट कर देना, ठीक है। ये इस तरीके से जहां जहां तक ये कलर आ रहा है उधर उधर, ये हो गया। अब हमने फिर से होल्ड करके रखना है, ये वाला कलर चूज करना है और इस तरीके से पेंट कर देना, ठीक है। ये होगी। अब हमने फिर से होल्ड करके रखना है और ये वाला कलर कर देना, ठीक है, ये वाला इतना हो गया। अब हमने फिर से होल्ड करके रखना है और ये वाला कलर चूज करना, कैप वाला, और इधर हमने पेंट कर देना। सर्कल में पेंट करने के बाद अब हमने स्किन का कलर लेना है, उसके बाद हमने हेयर का कलर लेना है, ठीक है। ये तो ये हमारी पेंट हो गया हमारा, अब इसे कर देना डन। तो ये हमारी पिक्चर हो चुकी है एडिट। तो इसे हमने इधर से थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेना। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।